पंजाब और राजस्थान के बीच खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने राजस्थान को 221 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। केएल राहुल और दीपक हुड्डा की बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी के कारण पंजाब ने राजस्थान के सामने 221 रनों का विशाल स्कोर रखा। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम केवल 4 रन ही दूर रह गई और राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 217 रन। लेकिन मैच हारने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की तरफ से संजू सैमसन ने महज 63 गेंदों में 119 रन ठोक डाले। वह आखिरी तक अपनी टीम के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम केवल 4 रन पीछे रह गई इस बड़े विशाल स्कोर से। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी टीम भले ही यह मैच हार चुकी हो, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीता और इसी पारी के बदौलत संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच भी अवार्ड दिया गया। आईपीएल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं। पंजाब के खिलाफ खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने बहुत ही ताबड़तोड़ रन बरसाए और अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए। सैमसन ने आईपीएल में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक जड़ दिया है। यह उनके आईपीएल करियर का तीसरा शतक रहा और डेब्यू कप्तान के रूप में सबसे अधिक रन बरसाने के मामले में उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी पीछे छोड़ दिया है। श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान पहले मैच में 93 रन बनाए थे, वहीं संजू सैमसन ने पहले ही मैच में 119 रनों की शतकीय पारी खेली है और ऐसा करने वाले वे आईपीएल के पहले और एकमात्र खिलाड़ी और कप्तान बन चुके हैं। तो आपको संजू सैमसन का ये रिकॉर्ड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ के वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हों।